के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंचाई घोटाले में अजीत पवार और एनसीपी नेता सुनील तटकरे के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। अजीत पवार का चेहरा बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में फडणवीस सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिसमें उनके और प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। इस आदेश के बाद अजीत पवार की बेचैनी बढ़ गई है। जो भी अभी उनका गवर्नमेंट है, जो भी उनको ठीक लगता है वो हमें करना चाहिए। हमने तो बार बार बताया कि उसके बारे में क्या दिया है, अप्रूवल दिला। ठीक है ना, उन्होंने तो बताया था चुनाव के पहले, वैसा तो उनका चलेगा ही। फडणवीस ने दावा किया था कि चिताले कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 0.1% जमीन में भी सिंचाई की सुविधा का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में ये 70,000 करोड़ कहां गए ये जांच से ही पता चलेगा। एनसीपी और कांग्रेस का कहना है कि सच सामने आने दीजिए। मेरे ख्याल से अगर इस अधिवेशन के सेशन में कोर्ट में अगर उन्होंने किया होगा तो निश्चित स्वरूप से सच कुछ दिनों के बाद वो इंक्वायरी के बाद सामने आ जाएगा। देखिए, अगर कोई भी इंक्वायरी, किसी को शंका किसके इस पे है कामकाज के ऊपर, तो उसमें इंक्वायरी होगी, कोई अलग बात नहीं है। और इंक्वायरी होने के बाद जब पूरी छानबीन होगी, उसमें से क्या निकलता है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये इनके ऊपर चार्जेस बैठे। लेकिन इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, वो कोई रोकने के लिए कोई कारण भी नहीं, कोई रुका भी नहीं। सिंचाई घोटाले के साथ ही फडणवीस ने दिल्ली में बने महाराष्ट्र सदन के निर्माण में 5,000 करोड़ की घूस के मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच के घेरे में पिछली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल भी हैं। विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी इसी आधार पर एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी भी कहा था। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज़, मुंबई।